पुराने जमाने के टीचिंग के तरीकों से हमको क्यों पढ़ाते हैं, इट्स सो बोरिंग। अब वेदांत देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। हाय किड्स, हेलो टीचर। आएगा तो मजा आएगा तो समझ आएगा। बेस्ट टीचर्स पढ़ाए तो सिंपल लगे एवरीथिंग। लीडर बोर्ड एंड क्विज़ेस से अमेजिंग हो जा हैपनिंग। समझ आएगा तो Vedantu, learn live online. To attend a free live class, download the app now. समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा. Hello guys, a very good afternoon to all of you. Woo! Hi Dheeraj, woo! Hi Riya, hi Nikita, hi Ritu, Pungolu, Sujit, Suhana, Swapnil, Rita, cute. आशीष, रिमझिम, आतिया, स्वप्निल, हाय स्वप्निल, हाय ज्योति, ग्रेट यार, ग्रेट। आप लोगों की एनर्जी तो एकदम यहाँ पे है, अमेजिंग गाइस। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कैसे, आफ्टरनून हो रहा है, सॉरी। तो दिन खत्म नहीं होगा जब तक हम पढ़ नहीं लेंगे, क्या कहते हो बच्चों, बच्चे का। हम तो सर, हम तो बड़े हो गए हैं। हाँ जी, हाय प्रतिमा, हाय रीटा, हाय अस्मा, आई एम ग्रेट गाइस, आई एम डूइंग ग्रेट। आप लोग कैसे हो, आप लोग कैसे हो। हाय ज्योति, गुड आफ्टरनून बेटा। अतिया, हाय अतिया। बीपी, बीपी आप ब्लड प्रेशर गुप्ता हो क्या? हमारे पास ब्लड प्रेशर गुप्ता भी है, आई नो राइट। मनीषा, क्रेजी, वेरी गुड। हाय श्रेया, ऑसम, ओ वेरी गुड। हाय धीरज, सब ग्रेट है, सब ऑसम है, सब अमेजिंग है। गाइस हमारे साथ ना चैट बॉक्स में अमेजिंग सुमैया मैम भी हैं, तो सुमैया मैम जो भी आपके डाउट्स होंगे वो फटफट फटफट सारे आंसर कर देंगी, ठीक है। तो उन्हें हम अमेजिंग सुमैया मैम बोलेंगे, ठीक है। तो अमेजिंग सुमैया मैम से आप कुछ भी पूछ सकते हो जब मैं पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है। हाँ जी, और मजे के साथ समझते 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 मजे कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी गाइस, ओके वेरी गुड। हाय हाय एवरीवन, हाय चीकू, ओ माय गॉड, चीकू भी हमारे पास, चीकू तो बहुत पसंद है यार मुझे, यस। हाय सुकन्या, हाय बीपी, ब्लड प्रेशर फिर से आ गए। गुड गाइस, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारे बढ़िया क्यूट से चैनल पे जिसका नाम है वेदांतु नीट मेड इजी। और कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम कर रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मतलब हम लोग किस किस टिश्यूज के बने हैं, ठीक है। हम लोग किस किस टिश्यू के बने हुए हैं गाइस, हम चार टिश्यूज के बने हुए हैं। धीरज, हम लोग चार टिश्यूज के बने हुए हैं, कौन से गाइस, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और सबसे फेवरेट हार्ट वाला टिश्यू, दैट इज कार्डियक टिश्यू, है ना बेटा। कोई बात नहीं, अभी लाज टेक केयर बेटा, है ना। तो ये चार टिश्यूज हम एपिथेलियल टिश्यू कर चुके, हमने देखा चार तरह की, चार के पांच तरह के एपिथेलियल टिश्यू देखे हमने, हमने देखा स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी देख लिया हमने, देखा कि नहीं देखा, याद है कि भूल गए सर, सब याद है, यस गाइस, देखा कि नहीं देखा हम लोगों ने ये सब। हां जी, एपिथेलियम में कौन से एपिथेलियम पढ़ लिए हमने, हमने सर स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ लिया, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर, है ना बेटा, है ना बड़े बच्चों, है ना बड़े बड़े लोगों, हमने पढ़े कि नहीं। हाँ जी, जिन्होंने नहीं देखा बेटा लास्ट सेशन देखो, इससे पहले वाला लेक्चर वन देखो, लेक्चर टू है हमारा, ठीक है। लेक्चर वन देखो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है, आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा मैंने तीन टाइप के जंक्शन पढ़े थे एंड में, गाइस कौन से तीन जंक्शन पढ़े थे, कौन से तीन जंक्शन थे, ओहो शर याद नहीं आ रहा, कौन से तीन जंक्शन थे। हाँ जी बेटा, टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन, वेरी गुड, अपडेट कहने से टाइट, अडहेरिंग और तीसरा गैप जंक्शन, वेरी गुड। अतिया, बीपी, अस्मा, पुष्पेंद्र, ओ माय गॉड, सबको आता है, वेरी गुड, हाई फाइव, एकदम बढ़िया बच्चे हैं, सब पढ़ पढ़ा के आए हैं, कोई बात नहीं, आज हम आगे चलेंगे। ओह ये तो पीछे चले गए हम, सॉरी, आगे चलते हैं। यस गाइस, वेरी गुड, बढ़िया बच्चे,
हाँ गाइस एक थोड़ा मोटिवेशन, गाइस डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। जनरली गाइस हमें लगता है यार बहुत बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, थक गया मैं, अब नहीं हो पा रहा। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता, ट्रस्ट मी। व्हेन योर ब्रेन सेज यू आर डन, यू आर ओनली 20% डन, मतलब अभी 80% आप में और जान बची होती है, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि मेरा हो गया है, जूस निकल चुका है, मेरा अब नहीं हो पाएगा, तब क्या कहना है बेटा, बस 20% हुआ है, 80% और बाकी आप लोगों में, ठीक है। व्हेन योर ब्रेन सेज हो गया तो बस 20% आपको लगना कहना चाहिए, अभी तो 80% और बाकी है। कुल बहुत बढ़िया, तो एकदम जोश में आ गए और ये सब फॉलो करेंगे, ठीक है गाइस, है ना, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चे। अब आगे चलेंगे हम, कनेक्टिव टिश्यू करेंगे। अब मुझे बताओ यार कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? एग्जैक्टली, क्यूट, वेरी गुड, क्यूट एंजल, वेरी गुड, मुस्कान भी कह रही है यस सर, वी वोंट स्टॉप टिल वी आर डन। और बेटा वो तो चलो अभी के लिए तो यहीं पे रुकते हैं, अब आगे करते हैं। हां जी खुराना कह रहे हैं, खुशराना कह रहे हैं कि पूरा दम लगा देंगे, वेरी गुड गाइस, चलो दम लगाएंगे बहुत तगड़े तरीके से। अब हमें बताओ कनेक्टिव टिश्यू कौन सा, सेकंड टिश्यू पढ़ रहे हैं आज हम, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है गाइस, नाम में ही लिखा हुआ है, नाम में ही लिखा हुआ है, कनेक्टिव, तो नाम में ही लिखा हुआ है हमारे, तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली सर ये तो कनेक्ट करता है, ये तो हमारी बॉडी को कनेक्ट कर देता है, वेरी गुड यार। हमारे फ्रेंड कह रहे हैं मेडिकस सर ब्लड आता है इसमें, तो हां जी बेटा ब्लड तो आता है, और क्या आता है, और क्या आता है माय फ्रेंड्स, एग्जैक्टली, हां जी और क्या आता है गाइस, बोन्स आते हैं, रीतु कह रही है सर बोन्स आते हैं, और क्या आता है गाइस, और क्या आता है जल्दी बताओ सर, लिम्फ आता है, कार्टिलेज आता है सर, कार्टिलेज आता है, टेंडन आता है ना, लिगामेंट आता है, लिगामेंट आता है, और क्या आता है, अडिपोज आता है, मतलब जो फैट स्टोर करता है, अडिपोज होता है हमारा, एरियोलार आता है। कहोगे सर ये क्या लिख दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा, आई विल टेल यू गाइस। तो हमारे बॉडी में एक टिश्यू होती है जो कनेक्ट करती है, बहुत सारी टिश्यू होती है जो कनेक्ट करती है सारी बॉडी को, ठीक है। तो ये सब वो एडिपोज, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज का, जो कनेक्टिव टिश्यू होती है ना हमारी, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है इनमें तीन चीजें होती हैं, है ना बेटा, इनमें तीन चीजें होती हैं। कौन सी तीन चीजें होती है बच्चे बताओ, सबसे पहला होता है इनमें हर किसी में सेल होता है, ठीक है, दूसरा होता है फाइबर, और तीसरी चीज होती है मैट्रिक्स, ठीक है। जो भी आप कनेक्टिव टिश्यू लोगे उनमें तीन चीजें होती हैं, सेल, फाइबर और मैट्रिक्स, ठीक है। एक तो सेल हो गए, जो कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स तो होंगे ना यार, ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं, है ना, ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं, और कार्टिलेज में एडिपोसाइट्स होते हैं, है ना, टेंडन में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, है ना गाइस। हाँ तो गाइस होता क्या है, ये सेल्स, फाइबर और मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये हम देखेंगे कि किस किस में क्या, अब ब्लड में मैट्रिक्स क्या होता है गाइस, मैट्रिक्स वो चीज होती है जिसमें सेल और फाइबर झूल रहे होते हैं। मैट्रिक्स क्या है, फाइबर तो मैं समझ आ गया, रस्सियां, फाइबर मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, इलास्टिन की रस्सियां या फिर कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। तो मतलब फाइबर्स जो कि फ्रेमवर्क बनाते हैं, आपने देखा है कभी फ्लोरिंग करते हैं, जब लेंटर डालते हैं घर में, जब 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 रूफ बनाते हैं, तो आपने देखा है पहले तो स्टील के फ्रेम्स डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर इसमें कॉन्क्रीट भर देते हैं, कॉन्क्रीट डंप कर देते हैं, इजंट इट गाइस, आपने देखा है पहले पिलर्स लगाते हैं फिर उसमें कॉन्क्रीट डंप करते हैं, है कि नहीं, देखा है आप लोगों ने, नहीं देखो श्योर, हम क्यों देखेंगे कंस्ट्रक्शन साइड, हम तो डॉक्टर हैं। हां जी वेरी गुड मेडिकल्स गाइस, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप जस्ट फोकस। हां जैसे कि अगर आप मेरे को ये फ्लोरिंग बतानी है तो पहले मैं स्टील, आई स्टील वाली रॉड नहीं देखी, स्टील, टीएमटी, ये महाशक्ति, महाशक्ति कहते हैं ना,
वो डालते हैं, फिर उसके बाद कॉन्क्रीट उसके ऊपर डाल देते हैं। तो स्टील क्यों देते हैं? स्टील फ्रेमवर्क देता है, और जो कॉन्क्रीट होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब बेसमेंट मैट्रिक्स होता है। तो इसको हम अगर हम रिलेट करेंगे तो क्या होगा गाइस, जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स ये स्टील वाला काम करती है, और जो मैट्रिक्स वाला काम, जो कॉन्क्रीट होता है वो मैट्रिक्स बनाता है। समझ आ रही है मेरे बच्चों? बच्चे नहीं, बड़े बच्चों, बड़े बच्चे भी नहीं, क्या कहूं यार फ्रेंड्स। हाँ जी, समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अभी इस टर्म समझो, सेल फाइबर और मैट्रिक्स की टर्म समझो, फिर एक एक को देखेंगे हम, है ना गाइस? वेरी गुड। तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। कूल, वेरी गुड गाइस, है ना? तो अब हम सब चीजें वो इसी पर्सपेक्टिव से देखते चलेंगे। और बीच बीच में अब कॉन्क्रीट में तो इंसानों को डाल के कॉन्क्रीट नहीं बना सकते ना, इसमें क्या करते हैं हम क्या करते हैं, सेल्स होते हैं हमारे, बस इसमें एक एडिशन चीज क्या होती है, हमारे बीच बीच में यहाँ पे सेल्स हो जाते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, यहां पे क्या होते हैं, सेल्स आ जाते हैं हमारे, ये सेल्स ही हमारी फ्रेमवर्क बनाते हैं। सेल्स क्या करते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें बनाते हैं। वी विल सी कि क्या क्या बनाते हैं। कूल, वेरी गुड सर, ये तो समझ आ गया हमें कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। आगे चलते हैं। हां जी गाइस, तो गाइस जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारी, जो कलेक्टिव टिश्यू है हमारी, कनेक्टिव टिश्यू ये गाइस तीन तरह की होती है। एक होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये तो सर नाम में ही लिखा है सर, ये तो बहुत ही इजी है, नाम में ही लिखा हुआ है ना, नाम में ही लिखा हुआ है। बताओ मेरे को लूज का मतलब क्या होगा बेटा? यार मैं आपको बेटा बोलता हूं ना मुझे बड़ा अजीब लगता है तो चलो कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे, फीलिंग्स पे जाएंगे, और है ना कूल गाइस। तो गाइस मेरे को बताओ यार, कनेक्टिव टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू होगी यार। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा गाइस? हाँ, फाइबर जो है हमारी वो बहुत लूजली अरेंज्ड है, जो हमारी फाइबर्स हैं वो बहुत ही लूजली अरेंज्ड है। वेरी गुड, लूजली अरेंज्ड है ना बेटा। अब ये लूज कनेक्टिव टिश्यू किसके लिए है? दो तरह के, एरियोलार और एडिपोस टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू है हमारी, जिसमें फाइबर्स बहुत लूज हैं, ठीक है, और इनके बीच में सेल्स हैं, और मैट्रिक्स भी लूजली अरेंज्ड है। लूज मतलब लूजली अरेंज्ड है सारी चीजें, मतलब हल्की फुल्की ऐसे ऐसे लूज है। यहाँ पे देखो पेट में, एडिपोज मतलब क्या होता है, जिन अंक ऐसे ऐसे पेट निकल आता है ना, फिर ऐसे ऐसे करते तो वो लूजली इधर उधर है ना, ऐसे ऐसे घूमता है, तो वो एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है, लूज है। देन गाइस अगला है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस नाम में लिखा हुआ है, बहुत ही डेंसली पैक्ड है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारे फाइबर्स है वो बहुत फ्रेमवर्क है, बहुत ही स्ट्रांग है, मैट्रिक्स भी बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब इतना इजीली मूव नहीं करेगा। वेरी गुड सर, ये तो समझ आ गया सर। इसमें क्या है गाइस, इसमें भी दो तरह के, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। सर ये तो नाम में ही लिखा हुआ है, डेंस रेगुलर मतलब बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह अपनी अपनी जगह पे बैठे, मतलब पैरेलली अरेंज है एकदम बढ़िया तरीके से। डेंस इरेगुलर मतलब ऐसे शैतान बच्चे, इधर उधर कैसे भी अरेंज है, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? डेंस रेगुलर मतलब रेगुलरली एकदम रेगुलर बच्चों की तरह एकदम ऐसे ऐसे बैठे हैं, जैसे कि आप लोग रेगुलर बच्चे हो, रेगुलरली सेशन अटेंड करते हो, तो ऐसे हैं। कुछ इरेगुलर बच्चे हैं, कभी कभी आ जाते हैं, है ना तो गाइस तो ये ऐसे हैं, ठीक है। अब एक हमारा टेंडन लिगामेंट, हमें पता है टेंडन क्या करता है, टेंडन क्या करता है, किसी को पता है टेंडन क्या करता है? टेंडन क्या करता है बता दो। अब ये सब करेंगे दोबारा, एज ए कीप सेइंग, ये सारी चीजें हम इतनी बार रिपीट करेंगे कि आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा इसको दोबारा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको बस रिवाइज करना पड़ेगा हल्का सा। हाँ जी बच्चे, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन। स्वाति नहीं बेटा, मसल टू बोन। टेंडन क्या करता है? मसल टू बोन, और लिगामेंट बोन टू बोन। लिगामेंट क्या करता है? हमारे बोन से बोन को कनेक्ट करता है, और टेंडन क्या करता है? मसल से बोन को कनेक्ट करता है। वेरी गुड सर, ये समझ आ गया। देन गाइस अब क्या होता है थर्ड टाइप की होती है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब इनको मैंने स्पेशलाइज क्यों कहा, क्योंकि इनका मैट्रिक्स चेंज हो जाता है, इनका मैट्रिक्स स्पेशल तरीके का बन जाता है। मैट्रिक्स क्या होता है, ब्लड में क्या हो जाता है, मैट्रिक्स लिक्विड हो जाता है, सॉरी है ना बेटा, क्या होता है, मैट्रिक्स लिक्विड हो जाता है। देन बोन्स में क्या होता है, बोन्स में क्या होता है गाइस,
बोन्स में क्या होता है, मैट्रिक्स सॉलिड हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होके मैट्रिक्स क्या होता है, सॉलिड हो जाता है। कार्टिलेज में भी ऐसा ही कुछ होता है, मैट्रिक्स थोड़ा सॉलिड हो जाता है बट थोड़ा प्लायबल रहता है, मतलब फ्लेक्सिबल रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड सर। सर कनेक्टिव टिश्यू हमने देख लिया तीन तरह के हैं, एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, है ना गाइस? समझ आ गया? लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया, जो लूजली द फाइबर्स आर लूजली अरेंज। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया, फाइबर्स आर टाइटली अरेंज, है ना। एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें क्या होता है, मेट्रिक्स थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। कूल, वेरी गुड गाइस, है ना। आगे चलते हैं, ये तो नॉर्मल चीज हो गई, ये तो बहुत ही इजी था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक एक के बारे में पढ़ेंगे हम। अमेजिंग। नाउ गाइस, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव टिश्यू इट इज द मोस्ट अबंडेंट, ऑब्वियसली पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखना जरूरी है, तो पूरी बॉडी में पड़ी रहे, मतलब मोस्ट अबंडेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो ईजी है, कॉमन पॉइंट से कुछ है नहीं, ठीक है। देन गाइस, दे हेल्प इन लिंकेज एंड सपोर्ट। वो क्या करते हैं, टिश्यूज और ऑर्गन को लिंक करने में और सपोर्ट करती हैं। वेरी गुड सर, ये तो नाम में लिखा था, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, वेरी गुड। देन गाइस, एक्सेप्ट ब्लड, जो भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें फाइबर्स होते हैं, मैंने बताया ना फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स कौन से होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं बेटा, फाइबर्स होते हैं प्रोटीन्स, फाइबर्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है। तभी तो प्रोटीन्स हमें जरूरत होती है, क्योंकि ताकि बॉडी हमारी बिल्ड हो सके, कहते हैं ना प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग फूड। देन व्हाट डू दीज फाइबर्स डू, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, वेरी गुड। और मैंने क्या कहा था गाइस, मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इज अ पॉलीसैकेराइड बिटवीन द सेल्स एंड द फाइबर। मतलब मैंने क्या कहा था, तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है सेल्स होता है, एक फाइबर्स होती हैं और मैट्रिक्स होता है जो कि हमारा पॉलीसैकेराइड है। तो मैट्रिक्स में क्या होते हैं, ये फाइबर और सेल्स बैठे होते हैं, मैट्रिक्स में क्या होता है, ये सेल्स और फाइबर्स बैठे होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, guys. Very good. Hello, बेटा। तो मैट्रिक्स किस चीज का बना हुआ है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? पॉलीसैकेराइड तो सर कार्बोहाइड्रेट होता है, हमने अभी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है, है ना। तो पॉलीसैकेराइड हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है गाइस, वेरी गुड। आपको समझ आ रहा है आपकी बॉडी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है? गाइस आपको समझ आ रहा है आपकी बॉडी कितनी कॉम्प्लिकेटेड, आपकी बॉडी में फाइबर्स हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बड़ा भरा पड़ा है, है ना। हम लोग पूरा पूरे के पूरे बायोमोलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक है हम लोग, ठीक है। तो आगे चलते हैं, है ना, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया तरीके से बने। नाउ गाइस, अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना इनके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था लूज कनेक्टिव टिश्यू, गाइस लूज कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया था दो तरह की होती है, एरियोलार और अडिपोस टिश्यू, ठीक है। अब इसमें क्या था गाइस, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड। गाइस क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा एरियोलर टिश्यू का कैरेक्टर्स क्या है, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूज। ये नहीं कहेंगे कि एरियोलर टिश्यू जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, वो बस पूछेंगे कि इनमें से किस किस टिश्यू में सेल्स और फाइबर्स बहुत लूजली अरेंज्ड है, ठीक है। एरियोलर टिश्यू कहां है गाइस, एरियोलर टिश्यू और अडिपोस टिश्यू में, समझ आ गया। अब गाइस देखो मत, एरियोलर टिश्यू जो होती है ना, एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट बेनेथ द स्किन, मतलब स्किन के नीचे होती है, जो कि स्किन को कनेक्ट करती है हमारी बॉडी से, स्किन के नीचे है, स्किन को कनेक्ट करती है हमारी बॉडी से। और ये कहां पे होती है, ये नर्व्स में पड़ी होती है, ब्लड वेसल्स में पड़ी होती है। और अगर टिश्यूज और ऑर्गन्स के बीच में जो गैप होता है ना, उसमें कौन फिल कर देता है, ये एरियोलर टिश्यू हमारी उस गैप को फिल कर देती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब मेरे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ऑर्गन्स के टिश्यूज हैं, टिश्यूज के बीच में कोई स्पेस होगा ना, ऑर्गन मेरे किस चीज की बनी होती है, टिश्यूज की बनी होती है, ठीक है। अब टिश्यूज के बीच में जो स्पेस है ना, उसमें कोई ना कोई चीज तो होगी ना, इट इज लाइक द पीओपी, मान लो पीओपी कहीं पेंटिंग वेंटिंग करते हुए कहीं होल हो जाता है तो पीओपी लगा देते ना, तो एरियोलर इज लाइक द पीओपी, कहीं पे भी जहां पे भी गैप है बॉडी में एरियोलर लगा दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि एरियोलर लगा दो जहां पे भी गैप है, लगा लो पीओपी लगा दो, तो इट इज लाइक दैट गाइस, ठीक है। अब इसमें
इसमें कुछ यू नो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि गाइस इसमें ना सेल्स होते हैं फाइब्रोब्लास्ट। अब मुझे बताओ यार, नाम में ही लिखा है फाइब्रोब्लास्ट सेल है तो ये क्या करते होंगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल है तो ये क्या करते होंगे गाइस, क्या करते हैं ये फाइब्रोब्लास्ट है तो फाइबर्स बनाते हैं गाइस। नाम में ही लिखा है फाइब्रोब्लास्ट है तो दीस विल बी मेकिंग फाइबर्स, ठीक है, जो कि लूजली अरेंज है फाइबर्स हमारी। देन मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस गाइस हमें पता है मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, कोई भी फॉरिन सब्सटेंस आए, फॉरिन एजेंट आए तो उसको खा जाते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, कोई भी फॉरिन सब्सटेंस आए बॉडी में तो उसको खा जाते हैं, लाइक फैगोसाइटिक हो गए, डब्ल्यूबीसी के टाइप के, है ना, डब्ल्यूबीसी हो गए ये तो, है ना। तो ये क्या करते हैं गाइस, ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, अगर कोई भी मेरी स्किन को पेनिट्रेट करके मेरी बॉडी में घुस गया कोई पैथोजन तो उसको खा जाते हैं, ठीक है, दे प्रोटेक्ट माय बॉडी। देन गाइस ये मास्ट सेल, सर ये मास्ट सेल क्या होते हैं तो नहीं पता हमें, मैं बताता हूं, ये गाइस ये वो सेल होते हैं जो बनाते हैं हिस्टामिन, हिस्टामिन और हेपरिन बनाते हैं, ये हमारे सेल हमारी स्किन के नीचे होते हैं गाइस, ठीक है। हिस्टामिन, हिस्टामिन आपको पता होगा एंटी यू नो इंफ्लेमेटरी होते हैं, हिस्टामिन क्या होते हैं यस गाइस, ठीक है, जैसे ही आपको कोई काटता है, मक्खी काटती है, यहां पे स्वेलिंग हो जाती है राइट, ये क्या करते हैं, व्हाई स्वेलिंग हैपेंस, ताकि वहां पे बहुत सारा ब्लड जाए, ठीक है, और वो क्या होता है, वो कूल डाउन हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड जाए और अगर कोई पैथोजन एंटर कराए तो उसको एक्ट कर दे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस। देन हेपरिन क्या होता है, हेपरिन एंटी कोएगुलेंट होता है, एंटी कोएगुलेंट मतलब जो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता। कूल गाइस, है ना, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे बता एडिपोज टिश्यू क्या होता है गाइस, एडिपोज टिश्यू क्या होता है, यस गाइस कम ऑन जल्दी बताओ, एडिपोज टिश्यू क्या होता है, यस गाइस एडिपोज टिश्यू क्या होता है बेटा, देखो हिस्टामिन एंड हेपरिन आर प्रोड्यूस बाय द मास्ट सेल्स, वो क्या करते हैं, वो वहां पे जैसे जिस जगह पे भी होता है वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जा सके, ज्यादा ब्लड जाएगा वहां पे तो क्या होगा गाइस, वहां पे ज्यादा ब्लड जाएगा तो क्या होगा, वहां पे बहुत सारे डब्ल्यूबीसी जाएंगे, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, ताकि वहां पे रिपेयर फंक्शन जल्दी हो सके। हेपरिन बेटा, हेपरिन इज एंटी कोएगुलेंट, इट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम कोएगुलेशन, कूल वेरी गुड। नाउ गाइस एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू क्या करता है गाइस, एडिपोज टिश्यू हेल्प्स इन स्टोरिंग ऑफ द फैट, ये तो हमें पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, व्हाट डज इट डू, इट हेल्प्स इन स्टोरिंग ऑफ द फैट। ये कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बेनेथ माई स्किन, और इसमें जो सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं गाइस, एडिपोसाइट सेल्स कहते हैं। इनमें स्पेशलिटी क्या होती है गाइस, इनमें एक बहुत बड़ा सा क्या होता है, वैक्यूल होता है, फैट स्टोरिंग वैक्यूल होता है, फैट स्टोरिंग ये क्या होता है, फैट स्टोरिंग वैक्यूल होता है। तो ये करता है गाइस, फैट को स्टोर करता है ना, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हम खा लेते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्स्ट्रा फैट और कार्बोहाइड्रेट जो हम खा लेते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गाइस फैट, और वो यहां पे स्टोर हो जाता है। तभी देखा आपने, ऐसे हो जाते हैं हम लोग, ऐसे हो जाते हैं। तो गाइस ऐसे वाले अंकल नहीं बनना, ठीक है, ऐसे वाले नहीं बनना, है ना। एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है, ठीक है, अगर आप शेप में रहते हो तो कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है, एक्सरसाइज करनी जरूरी है। हाँ जी, ओके, हाँ किशन कह रहे हैं तोंदू अंकल नहीं बनना, हाँ बेटा तोंदू अंकल नहीं बनना, तो वो कैसे होगा गाइस, वो एक्सरसाइज करने से होगा और खाने से। खाना होता है क्या, जनरली हमें लगता है कि एक्सरसाइज करने से बॉडी अच्छी हो जाती है, नहीं गाइस, इट्स ऑल अबाउट ईटिंग। जो भी आप अपने कचरे के डब्बे में डालोगे, अगर अपनी बॉडी को आप कचरे का डब्बा समझ के कुछ भी डालोगे तो आपकी बॉडी कचरे का डब्बा बन जाएगी, मगर अगर आप अपनी बॉडी को बहुत ही बढ़िया अच्छी चीज समझ के अच्छी चीजें खिलाओगे तो वो अच्छी बन जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाहता हूं मैं, कचरे का डब्बा मत बनाओ कि जो भी दिखा डाल दिया, ऐसा नहीं, उसको अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ, ठीक है। बैलेंस डाइट टाइप, बैलेंस डाइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से इज की ईटिंग एट अ प्रॉपर टाइम, ये नहीं कि 12 बजे खा रहे हो, 1 बजे खा रहे हो, है ना, 2-3 बजे खा रहे हो, ऐसा नहीं यार। ब्रेकफास्ट टाइम पे ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लंच टाइम पे लंच होना चाहिए, और डिनर टाइम पे डिनर होना चाहिए।
एक्सरसाइज करो या ना करो, बट खाना टाइम पे खाओ. खाना अगर किसी भी टाइम पे खाओगे तो आपका जरूर यू नो यू विल गेन लॉट्स ऑफ वेट. और स्ट्रेस तो होता ही है, अभी आप लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हो, स्ट्रेस तो होता ही है, तो बेटा बहुत ज्यादा लग जाता है. ठीक है, तो फोकस करो. ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस चाहिए तो बेटा शेप में रहना बहुत जरूरी है. ओ सॉरी, डिवेट हो जाते हैं हम, कोई बात नहीं. और क्या कह रहे थे हम? हाँ जी, तो गाइस क्या कहते हैं, स्टोर फैट करते एक्सेस न्यूट्रिएंट क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में. वेरी गुड, ये तो हो गया हमारा, समझ आ गया गाइस, लूज कनेक्टिव टिश्यू समझ गए हम. वेरी गुड, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स होते हैं एरियोला टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू होती है, स्किन के नीचे होती है, फैट स्टोर करती है. राइट गाइस, गाइस अगर समझ आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही अमेजिंग चैनल है ना. इस गाइस हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब. लेट मी जस्ट चेक कितने लोग देख रहे हैं, बिकॉज मेरे को पता चला कि मैं देख सकता हूँ कि कितने लोग देख रहे हैं ऑनलाइन जब मैं पढ़ा रहा हूँ. ओके ओके, आई कैन सी 120 पीपल वॉचिंग बट ओनली लाइक्स आर 90. वाई गाइस, सब हिट द लाइक बटन. आई नो राइट, 121 देख रहे हैं, बस 89 लाइक्स है. क्यों भैया ऐसी नाइंस अभी क्यों? यस गाइस, समझ आ रहा है तब भी करो, नहीं समझ आ रहा तो भी कर दो, क्योंकि फिर वापस रिवाइंड करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, कूल गाइस, आगे चलते हैं. ठीक है, वेरी गुड, अमेजिंग. देन गाइस नेक्स्ट था हमारा, नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था हमारा लाइक कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू. लूज हो गया, अब थोड़ा डेंस वाले पे आ जाते हैं. अब गाइस हमने देखा डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरह की है, एक डेंस टिश्यू जिसमें फाइबर्स गाइस रेगुलरली अरेंज है, रेगुलरली मतलब अच्छी तरह से बैठे हुए हैं, मतलब एकदम रेगुलर फैशन में अरेंज है, कोई हैपजार्डली नहीं बैठा. वेर एज हियर डेंस इररेगुलर में कुछ भी हो रखा है, कुछ भी, मतलब ऐसे 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 ऐसे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक दिस. ठीक है गाइस, यू कैन सी इट हियर, ये देखो कितने इररेगुलरली लग रहे हैं, ये देखो कितने रेगुलर. एग्जैक्टली किशन कह रहे हैं सर ये तो डिसिप्लिन में है. हाँ अतिया कह रही है अच्छे बच्चे गंदे बच्चे, बट मजा तो गंदे बच्चों के साथ ज्यादा आता है, अच्छे बच्चों के साथ ही ज्यादा आता है. बट व्हाट आई एम मेंट टू से इज की यस गाइस, तो इररेगुलर एंड रेगुलर देयर शुड बी बैलेंस गाइस, बैलेंस होना चाहिए. तो यस तो ये हमारा हाँ जी, तो ये हमारे रेगुलर हो गए, वो हमारे इररेगुलर हो गए. कूल, अब गाइस जो रेगुलर होते हैं ना, अब ये दो तरह के, टेंडन एंड लिगामेंट, इनमें कोलेजन फाइबर होता है, टेंडन एंड लिगामेंट. अब देखो गाइस टेंडन एंड लिगामेंट आपको बता के दिखाता हूं. तो ये हमारा, ये हमारी बोन है, तो गाइस इमेजिन कर लो ये हमारे हाथ है. ठीक है ना, अब ये जो है ये क्या है, दो बोन को कनेक्ट कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा, आई गेस दिस इज विजिबल गाइस, इज इट विजिबल, ये जो ब्लू वाली चीजें हैं बेटा, दैट वाज आर्म, वो मेरा आर्म है, ये मेरे बोन्स हैं यार ऐसे. ठीक है, तो दिस इज गाइस, दिस इज लिगामेंट जो मेरे बोन्स को कनेक्ट कर रही हैं. कूल, वेरी गुड. नाउ गाइस ये देखो, ये मेरे मसल है, दिस इज माय मसल, और इसने मेरे मसल को बोन से कनेक्ट करा है, ये है टेंडन, जिसने मेरे मसल को बोन से कनेक्ट करा है वो है टेंडन. यार एक्चुअली बात ही होगी ना, ये बैकग्राउंड ऐसा है, वरना अगर मैं व्हाइट वाले में बनाऊंगा तो ये बहुत बढ़िया दिखता है. ठीक है, तांत्रिक वाली हड्डियां, हाँ बेटा वेरी गुड, वाह बहुत बढ़िया, तांत्रिक वाली हड्डियां ये बैकग्राउंड की कमी है.
ठीक है, मैं जब नॉर्मल बैकग्राउंड में बनाता हूँ बहुत ही अच्छा बनता है। यस गाइस, कोई बात नहीं, समझ आनी चाहिए। समझ आ रही है लिगामेंट क्या है, टेंडन क्या है? नहीं बेटा, फ्लूइड नहीं है ये, रस्सी की तरह है, रस्सियों की तरह है ये, रस्सियों की तरह है। हमारे बच्चे कह रहे थे फ्लूइड है क्या, फ्लूइड नहीं है बेटा ये, रस्सी की तरह, ऐसे नहीं होते ये लिगामेंट। कूल, हाँ। अरे समझो, बातों को समझो। यस, लिगामेंट क्या करता है, लिगामेंट करता है बोन से बोन को कनेक्ट, और टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है। ठीक है, आई नो राइट, आई नो। मुझे आर्ट क्लासेस खोल देनी चाहिए, करेंगे जरूर करेंगे। हाँ जी, चलो गाइस तो आगे चलते हैं। हाँ, अब डेंस इरेगुलर क्या होती है, टेंडन भी, कोई बात नहीं बेटा। तो यस गाइस, यस गाइस, हमारा डेंस इरेगुलर क्या होता है, ये गाइस प्रेजेंट बेनेथ द स्किन, स्किन के नीचे होती है। अब कहोगे सर एरियोलर भी नीचे प्रेजेंट है स्किन के, डेंस इरेगुलर भी है, एपिथीलियम भी है। हाँ बेटा, बहुत सारी टिश्यूज हैं हमारे स्किन के नीचे और स्किन के आसपास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सारे टिश्यूज हैं हमारे स्किन के आसपास और स्किन के ऊपर, यू नो, क्लोज टू द स्किन। अब ये नहीं कह सकते कि सर उसमें ये क्यों है, वो क्यों है, लाइक देर आर मेनी टिश्यूज प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। कूल, आगे चले। लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने देख लिया, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फिर हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखा कि सर ये तो दो तरह के होते हैं, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर कहाँ होते हैं बेटा, डेंस रेगुलर दो तरह के होते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन तो सर मसल, वो तो ग्रीन कलर के थे जो मसल से बोन को कनेक्ट कर रहे थे। देन गाइस, हैं गाइस, देन व्हाट वाज द अदर थिंग, लिगामेंट, लिगामेंट तो सर बोन से बोन को कनेक्ट कर रहे थे। वेरी गुड गाइस, आगे चलते हैं। ओ माय गॉड, अब आ गए हम दिस थिंग, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। नाउ गाइस, डेंस, सॉरी, स्पेशलाइज्ड। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। गाइस, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, अब ये नाम में लिखा है सर ये तो स्पेशल है। क्यों ये स्पेशल है, क्योंकि इसका मैट्रिक्स मॉडिफाई हो जाता है, है? इसका मैट्रिक्स थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है। मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे असमर, मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। तो व्हाट आर यू सेइंग इज, यस गाइस, देन यस गाइस, आप लोग अपना डाउट्स टाइप करते रहो, ठीक है, चैट बॉक्स में। सुमैया मैम उसको सॉल्व करेंगी, अगर मेरे को दिख गया मैं भी करूंगा। और टूवर्ड्स द एंड आप डाउट्स हमारे क्या कहते हैं चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, हम लोग जितना हो सके उसको आंसर करेंगे गाइस, ठीक है। तो या नाउ गाइस, मूविंग फॉरवर्ड, हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू गाइस, तीन तरह के हमने हम पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में तीन तरह की थी। कार्टिलेज, कार्टिलेज आपने कहां कहां पढ़ रखा है गाइस? कार्टिलेज सर नोज टिप पे होती है, ईयर ईयर में होती है ना? और क्या होता है, और कहां होती है कार्टिलेज गाइस, और कहां होती है कार्टिलेज? मुस्कान, डन डन, डाल देंगे पीडीएफ। हाँ जी गाइस, कार्टिलेज कहां होती है? कार्टिलेज सर ईयर में, नोज टिप में, है ना? एंड एग्जैक्टली बिटवीन द वर्टिब्रे, वर्टिब्रे के बीच में भी कार्टिलेज होती है। और सर एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो कार्टिलेज होती हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है गाइस हमारी, वो कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रे में। हम जब कोर डेटा पढ़ रहे थे तो हमने देखा था। वेरी गुड, देन गाइस, और कार्टिलेज के सेल्स को क्या कहते हैं गाइस? कार्टिलेज के सेल्स को क्या कहते हैं हम? वेरी गुड, कार्टिलेज के सेल्स को क्या कहते हैं हम? कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स। वेरी गुड अपडेट, वेरी गुड किशन, है ना? सिमिलरली बोन्स में गाइस, बोन्स के सेल्स को भी हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसमें मैट्रिक्स की जगह क्या होता है गाइस? मैट्रिक्स की जगह उसमें कैल्शियम कार्बोनेट फिल हो जाता है, ठीक है। देन गाइस, और क्या होता है, अब ब्लड में तो हमें पता ही है, मैट्रिक्स की जगह क्या हो जाता है? प्लाज्मा आ जाता है। प्लाज्मा इज द फ्लूइड जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैर रहे होते हैं। कूल, अब देख लेते हैं जो स्पेशल पॉइंट्स जो मेंशन थे एनसीईआरटी में, है ना, जस्ट वर्ड बाय वर्ड एक बार देख लेते हैं हम उनको क्या था वहां पे। Yes guys, क्या थे वहां पे, हमने देखा था
कि गाइस कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ द कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, बोन्स में क्या होते हैं गाइस, ऑस्टियोसाइट्स, वेरी गुड गाइस, होता क्या है ना, होता क्या है कि ये जो सॉलिड प्लाइएबल रेसिस्ट कंप्रेशन, प्लाइएबल मतलब फ्लेक्सिबल होता है, ये सॉलिड होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ये फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है, और कंप्रेशन को रेसिस्ट करने की कोशिश करता है, बट हमारा जो बोन है वो बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है, बहुत हार्ड है हमारा बोन, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है गाइस। देन इधर क्या होता है, सेल इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स, मतलब क्या होता है गाइस, फोकस यहां पे, जो सेल्स होते हैं ना, मान लो ये मेरा एक सेक्शन है, ये मैं देख रहा हूं, तो ये गाइस यहां पे ना छोटे छोटे गैप्स होते हैं, यहां पे मान लो ये मतलब छोटे छोटे गैप्स होते हैं टिश्यूज में जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बैठे होते हैं, जिसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बैठे होते हैं, मान लो ये एक सेक्शन ले लो, मैंने यहां का सेक्शन लिया, प्लाइएबल मतलब बेटा फ्लेक्सिबल, प्लाइएबल मतलब फ्लेक्सिबल, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने एक यहां पे सेक्शन लिया, ये मान लो ये देख रहे हैं, तो यहां पे गाइस छोटी छोटी कैविटीज होंगी, ये मान लो ये मैट्रिक्स है, ये कॉन्ड्रोसाइट्स का, ये छोटी छोटी कैविटीज है ना, इन कैविटीज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट छुप के बैठे रहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस गाइस, समझ आ रहा है? मतलब ये कॉन्ड्रोसाइट का ये मान लो टिश्यू है, टिश्यू में क्या होगा, छोटी छोटी कैविटीज होंगी, उसके अंदर वो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बैठे होंगे। आपको मैं बोन समझाता हूं, बोन्स में आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो गाइस, व्हेन यू सी द बोन ना, बोन को अगर आप बोन का अगर आप ऐसे करके क्रॉस ऐसे ऐसा वाला सेक्शन लोगे, इफ यू टेक आउट माई बोन लाइक दिस, आप मेरे बोन को ऐसे लो और आप इसको ऐसे काट दो, ठीक है, मतलब पहले स्किन विन हटा के, ठीक है, मसल वसल हटा के, फिर आप बोन को लो, आप उसने उसको ऐसे काट दो, तो उसके बाद क्या होगा गाइज, आप बोन को देखोगे ना, तो आप यू वुड सी कि मेरे बोन में बहुत सारी ऐसी कैनाल्स चल रही हैं, मेरी बोन में कैनाल्स चल रही हैं लाइक दिस, मेरी बोन्स में कैनाल्स चल रही हैं लाइक दिस, ठीक है। जो ये नॉर्मल ऐसी वाली कैनाल्स हैं, इनको कहते हैं गाइज हेवर्शियन कैनाल, ये जो ऐसे लेके हो, वर्टिकल कैनाल्स हैं इनको कहते हैं हम हेवर्शियन कैनाल्स, और जो ऐसे वाली कैनाल्स हैं इनको कहते हैं वोक्समन कैनाल। नाम हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, बचपन में पढ़ा होगा आपने 9th में, अभी नहीं दिया हुआ तो नहीं पढ़ेंगे, बट यस गाइस, अब ये देखो ये ऐसा हो गया, अब हम ऐसे करेंगे, अब हम इसको यहां से काटेंगे और आपको क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे, ठीक है। अब यू आर गोना कट माय हैंड लाइक दिस एंड आई एम गोना शो यू द क्रॉस सेक्शन, कैसा लगेगा गाइस, ये देखो ये हेवर्शियन कैनाल है ना, ये ऐसे मैट्रिक्स इसकी सर्कुलर में होता है, ऐसे बहुत सारे होंगे लाइक दिस। अगर आप मेरा बोन कट करके ऐसे देखोगे तो यू वुड सी समथिंग लाइक दिस, ठीक है गाइस। अब ये जो सेंटर वाला है, ये हमारा हेवर्शियन कैनाल हो गया, ये हो गया हेवर्शियन कैनाल, अब गाइस अब बेटा काट नहीं रही, आपको समझा रहा हूं मैं, काटना नहीं है मेरे को क्यों काटोगे आप लोग, हाइपोथेटिकली ठीक है, हाँ जी हाइपोथेटिकली, ठीक है, यस ओके, हाँ ज्यादा सीरियस नहीं हो जाना कि पता चला 3-4 बच्चे पहुंच गए सर समझ नहीं आया काट के दिखाओ, ऐसा नहीं बेटा, हाइपोथेटिकली इमेजिन, ठीक है। हाँ बेटा ये साहिल लॉन्ग बोन्स में होता है, हाँ जी ठीक है, हाँ पता चला। आ गए आप लोग, कूल। अरे बेटा स्पाइनल कॉर्ड तो हमारी नर्वस टिश्यू है ना बट हाँ जी गाइस चलो समझते हैं थोड़ा समझते हैं ठीक है। तो गाइस अब ये आप इसके मैट्रिक्स को देखोगे ना, होता क्या, ये देखो ऐसे था, अब ये सेंटर में आप हेवर्शियन कैनाल्स है, ये जो वर्टिकल कैनाल्स है हेवर्शियन कैनाल्स हो गए। अब जो मैट्रिक्स हमने देखा कि ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में प्रेजेंट है, अब इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बीच बीच में ना गैप्स है, बीच बीच में छोटे छोटे होल्स हैं यहां पर भी छोटे छोटे होल्स हैं। अभी छोटे छोटे होल्स क्या है, जैसे कि यार आप मान लो एक पार्क में जॉगिंग कर रहे हो, अब पार्क बेटा नरगिस अभी देखो आपको सब समझ आ जाएगा, आप ना पार्क में जॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये हमारा बोन का ये मान लो ये सर्कुलर ट्रैक्स है, तो हमारी बोन का जो मैट्रिक्स है ये सर्कुलर ट्रैक्स में अरेंज है। अब क्या हुआ, कुछ खुराफाती बच्चे आए, उन्होंने क्या करा उस ट्रैक पे लेकिन वो
दे डिग अ पिट ओवर देयर, उन्होंने गड्ढा खोद दिया उस सर्कुलर ट्रैक में, बीच बीच जगह पे गड्ढा खोद दिया, ये जहां जो मैंने ब्लैक स्पॉट्स बना रखे हैं। अब इन ब्लैक स्पॉट्स में क्या हुआ, उसमें जाके सारे ऑस्टियोसाइट्स बैठ गए। इन गड्ढों को मैंने कहा लकुने हैं। गड्ढे क्या हैं, जो भी ये होल्स हैं उसमें क्या है, लकुने। वो क्या है, यस गाइस, दे आर लकुने। अब उस लकुने में क्या हो गया, सारे ऑस्टियोसाइट जाके बैठ गए। ऑस्टियोसाइट क्या है हमारे, ऑस्टियोसाइट्स हैं बोन प्रोड्यूसिंग सेल जो, और अब ऑस्टियोसाइट बैठ के क्या कर रहे हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, फाइबर्स बना रहे हैं और बोन को बनाए पड़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, अब तो समझ आ गया। नाइन, डिड यू अंडरस्टैंड गाइज, गिव मी अ थम्स अप। समझ आया गाइज सबको, लकुने बेटा वो गड्ढे जो खोद दिए बच्चों ने, मैंने बताया सर्कुलर ट्रैक्स हैं, सर्कुलर ट्रैक्स हैं जिसपे हम वॉक कर सकते हैं। तो हमने देखा बोन की मैट्रिक्स सर्कुलर में अरेंज है, सर्कुलर मैट्रिक्स। अब उसमें बीच बीच में छोटे छोटे होल्स हैं, सर्कुलर मैट्रिक्स में होल्स हैं। अब होल्स को हम लकुने कह रहे हैं, और होल्स के अंदर जो जो सेल्स बैठे हैं दे आर ऑस्टियोसाइट सेल्स। आर यू गेटिंग। अब कार्टिलेज में क्या होता है, कार्टिलेज में द मैट्रिक्स इज नॉट अरेंज्ड इन अ सर्कुलर मैनर। कार्टिलेज में मैट्रिक्स है पर सर्कुलर मैनर में अरेंज नहीं है, लाइक इसमें देखो पर्टिकुलर पैटर्न है, इसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। तो क्या होता है इसमें भी, बट कैविटीज है, मतलब एम्प्टी स्पेसेस है लाइक लकुना, और जिसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बैठे हैं, बट देयर इज नो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स लाइक दैट। गाइस कूल, वेरी गुड यार, बहुत स्मार्ट हो आप लोग तो, हाँ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड बेटा जाहिर, वेलकम वेलकम टू द चैनल। हमारे एक फ्रेंड कह रहे हैं सर हम पाकिस्तान से, वेरी गुड बेटा, वेलकम टू द चैनल, आई नो, वेरी गुड, ग्रेट गाइस, हाई फाइव यार, आप लोग बहुत प्यारे हो, लाइक आई डोंट नो, आई लव माय दिस टाइम। तो अभी अभी आई गेस इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, और आई विल इरेज इट। कूल, थोड़ा चलते आगे, इरेज कर दे गाइस, वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग। चलो तो अब थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं गाइस ये क्या है, वेरी गुड, देख लेते हैं यहां पे जल्दी से क्या है। तो देखो यार कार्टिलेज क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होने चाहिए, सॉलिड प्लायबल रेसिस्ट कंप्रेशन, ये तो हमें पता चल गया, सॉलिड है प्लायबल मतलब बेटा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। देन सेल्स कहां पता है, स्मॉल कैविटीज, मैंने बताया था ना स्मॉल कैविटीज, जैसे कि हमारे बोन में लकुने होते हैं, यहां पे लकुने नहीं है, यहां पे कैविटी है, मतलब एम्प्टी स्पेस है बस वहां पे है। देन गाइस मोस्ट कार्टिलेज वर्टिब्रे, जो हमारे हम लोग वर्टिब्रेट हैं, हम लोगों में जो सारे कार्टिलेज है वो किस में कन्वर्ट हो गए, बोन्स में कन्वर्ट हो गए। हमारे कार्टिलेज जब हम एम्ब्रियो में थे हम कार्टिलेज थे, हमारे पास कार्टिलेज थे बहुत सारे, ये कार्टिलेज क्या कन्वर्ट हो गए, बोन्स में कन्वर्ट हो गए हैं। और कहां कहां होते हैं गाइस, टिप ऑफ नोज, ईयर है ना, वर्टिब्रल कॉलम्स के बीच में है ना, लिम्स एंड हैंड्स, इन लिम्स के बीच में है ना, उधर हमारे क्या कहते हैं इस गाइस, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। बोन्स आर गाइस हार्ड नॉन प्लायबल, ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, कैल्शियम एंड कोलेजन फाइबर। गाइस कैल्शियम कार्बोनेट और कोलेजन फाइबर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और यस गाइस कोलेजन फाइबर होता है, वेरी गुड गाइस। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम, ऑब्वियसली मेरा फ्रेम, मैं ऐसे मतलब मेरा फ्रेम बनाता है पूरा। देन गाइस सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स, ऑब्वियसली अब मेरे ब्रेन, मेरे प्रेशियस से ब्रेन को बचाता है, ठीक है, मेरे प्रेशियस हार्ट को बचाता है, मेरी लंग्स को बचाता है, मेरी किडनी को बचाता है, कोई आपके यू नो किसने आके यहाँ पे ऐसे करा तो मेरे हार्ट को बचाया, मेरे 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 लंग्स को बचाता है। तो बोन्स हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ माई ऑर्गन्स, ठीक है, वेरी गुड। कहाँ पे होता है गाइस, ये वेट को, मेरे मेरे पूरी बॉडी के वेट को होल्ड करता है। देन इंटरैक्ट विद द मसल्स, मेरे मसल्स, बोन क्या करता है, मेरे मसल से इंटरैक्ट करके मूवमेंट कॉज करता है, मेरे मूवमेंट को कॉज करता है ना। और इसमें तो बोन मैरो भी होता है जो ब्लड सेल्स बनाते हैं, इसमें बोन मैरो भी होता है जो कि मेरे ब्लड सेल को बनाते हैं। प्लायबल मतलब बेटा फ्लेक्सीबल, प्लायबल मतलब फ्लेक्सीबल, ठीक है, वेरी गुड सर। देन गाइज ब्लड के बारे में तो हमें पता ही है, ब्लड में होता है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या होता है गाइस, देखो इमेजिन करो एक बॉटल है, इस बॉटल में मैंने क्या करा, इस बॉटल में मैंने बहुत सारी रेड सैंड डाल दी, इस बॉटल में मैंने रेड सैंड डाल दी, देन इस बॉटल में मैंने फिर
व्हाइट कलर की थोड़ी सी सैंड डाल दी, WBC डाल दिया मैंने. रेड सैंड क्या है? RBC. ब्लू कलर का सैंड क्या है? WBC. फिर मैंने थोड़े से प्लेटलेट भी डाल दिए, वेरी गुड. फिर मैंने क्या करा, इसमें पूरे इस पूरी बॉटल में मैंने वाटर भर दिया. तो गाइस दिस वाटर इज प्लाज्मा, ये वाटर प्लाज्मा है और RBC WBC आपको समझ आ गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रेड सैंड WBC मतलब व्हाइट सैंड और जो येलो सैंड है दैट इज प्लेटलेट्स, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये प्लाज्मा में फ्लोट कर रहे हैं, प्लाज्मा में फ्लोट कर रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? वेरी गुड, ये सब ईजी है, ठीक है, कूल. ये गाइज ये हम जब ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब भी इसके बारे में देखेंगे, ये जब हम ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब भी इसके बारे में देखेंगे, ठीक है. अभी थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है गाइज, थोड़ा आगे चलते हैं. अमेजिंग मसल टिश्यू गाइज, मसल टिश्यू क्या थी? तीन तरह की मसल टिश्यू होती है. वॉट आर दे? स्ट्रिएटेड स्मूथ मसल, कार्डियक मसल. स्ट्रिएटेड मसल जो कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं, स्ट्रिएटेड मसल वाली, वो वाली मसल जिसमें ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं, इनके बारे में हमने कहीं पढ़ा था, याद है कोई चैप्टर करा था हमने थोड़े टाइम पहले लोकोमोशन एंड मूवमेंट नाम का? हाँ जी बच्चों याद है. हमने एक चैप्टर करा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट नाम का, किस किस को याद है? हेलो बेटा, तो उसको जाके देखो, ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर करा है हमने, है ना, उसको रिवाइज करो, है ना बेटा, है ना. तो उसको बहुत हमने अच्छे तरीके से करा था, तो उसको जाके देखो, रिवाइज करो. तो ये क्या करते हैं गाइस? क्रिएटेड मसल मतलब जैसे कि नाम में लिखा हुआ है, इसका पूरा स्ट्रक्चर हमने करा था गाइस. क्रिएटेड मतलब वो वाला मसल जिसमें ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होती है, जो कि क्या करती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है. देन गाइस ये क्या होती है? ये वॉलंटरी होती है, वॉलंटरी मतलब विच आई कैन कंट्रोल, ठीक है. देन स्ट्रिएटेड होते, स्ट्रिएटेड मतलब गाइस ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड और मेरे बोन से अटैच होती है. देन गाइस स्मूथ मसल, स्मूथ मसल मतलब ऑब्वियसली इसमें ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड नहीं होते और सबसे इंपॉर्टेंट ये इनवॉलंटरी होती है. अब ये क्या होते हैं? टेपर्ड होते हैं. टेपर्ड मतलब गाइस ऐसे, मतलब टेपर्ड मतलब दे आर क्लोज्ड, लाइक ऐसे दोनों तरफ एंड से क्या होते हैं गाइस? नैरो हो जाती है. टेपर्ड मतलब जो नैरो होने लगती है, ठीक है, ऊपर से भी नैरो होने लगती है, नीचे से भी नैरो होने लगती है. एग्जैक्टली किशन कह रहे हैं सर फ्यूजर टेंड, एग्जैक्टली नैरो होने लगती है. ये देखोगे ये स्ट्रेट स्ट्रेट रहती है, ये क्या होती है? ऊपर से नैरो और नीचे से नैरो हो जाती है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अब ये कहां पे होती है गाइस? देखो स्ट्रेटेड मतलब मेरे मसल यहां पे हो गए, मेरे लेग्स पे हो गए, ठीक है. देन जो स्मूथ मसल है कहां पे? मेरे एलिमेंट्री कैनाल में, मेरे जो फूड पाइप है, मेरी जो स्टमक है उसमें भी थोड़ी मसल्स है ना, है कि नहीं? जो मेरा एलिमेंट्री कैनाल है वो किस चीज का बना हुआ? वहां पर भी थोड़ी मसल्स है. वहां पे मेरे ट्रकिया में भी थोड़ी मसल्स है. ये मेरा देखो ट्रकिया, आगे ट्रकिया होता है, पीछे फूड पाइप होती है. तो ट्रकिया का भी मसल, तो क्या मैं ट्रकिया को कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं. क्या मैं ईसोफेगस को कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं. ठीक है, क्या मैं अपने स्टमक को कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं. बट बाबा रामदेव कर सकते हैं, देखा आपने क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके घुमा देते हैं पेट को. तो बाबा रामदेव वाली बात नहीं कर रहे हम, बट जनरली जो मसल्स होती है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब वो तो गलत ही वॉशिंग मशीन बना देते अपने पेट का, मतलब आई ट्राई, मेरे से तो नहीं हो पाता, मतलब उनकी तो मशीन बन जाती है, वॉशिंग मशीन नहीं होती, जैसे ऐसे 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 घुमा देते हैं पेट को. तो ठीक है गाइस, तो कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी ये वाली मसल्स वहां पे होती है जहां पे हम अपने आप को मतलब जहां जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती. हाँ वेरी गुड. ट्रकिया में मसल्स होती हैं, एलिमेंट्री केनाल में भी मसल होती है. कौन सी वाली होती है? वो स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है बेटा. ब्लड वेसल में भी तो यार थोड़ा तो उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा ना, मेरी ब्लड वेसल को. तो जो मेरी ब्लड वेसल है जो स्ट्रांग है उसमें भी मसल होती है. कौन सी होती है? स्मूथ मसल होती है. इंटेस्टाइन में भी मेरे स्मूथ मसल्स होती हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? ठीक है, कूल. आगे चलते हैं गाइस. देन फाइनली कार्डियक मसल, नाम में ही पता है सर, हार्ट में होती है. इनमें क्या होता है गाइस? ये ब्रांच्ड होती है. ये क्या होती है? थोड़ी ब्रांच्ड होती है.
मतलब ऐसे ऐसे ब्रांच होती हैं ये। अगर आप कार्डियक मसल्स को देखोगे ये थोड़ी ब्रांच होती हैं, है ना, और इनके बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। यस गाइस, इंटरकैलेटेड डिस्क मतलब डिस्क होती है इनके प्रेजेंट इनके बीच में। अभी मैं दिखाऊंगा आपको डायग्राम में इसमें। यस गाइस, तो इनकी सेल मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है। इनकी सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, फ्यूज कर जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन फ्यूज कर जाती है, तो हमें लगता है बहुत सारे सेल्स, कई कई मसल बहुत ही बड़े होते हैं क्योंकि बहुत सारे मसल्स सेल्स फ्यूज कर जाते हैं। इधर भी सेल्स फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है गाइस। देन इट्स नेबर स्टिमुलेटेड टू कंट्रैक्ट, मतलब एक सेल कंट्रैक्ट करता है, एक सेल कंट्रैक्ट करता है तो क्या करता है गाइस, हमारा पूरा हार्ट एक रिदमिकली कंट्रैक्ट करता है ना, हमने देखा है ना, हमारा हार्ट पूरा रिदमिकली कंट्रैक्ट करता है। तो वो क्यों करता है गाइस, क्योंकि वो सारे इंटरकनेक्टेड रहते हैं, सारे के सारे इंटरकनेक्टेड रहते हैं गाइस। गाइस इनके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में हमने करा हुआ है, ठीक है। आई जस्ट शो इट टू यू, देखो हियर गाइस, कैन यू सी, यहां पे भी सेल्स फ्यूज्ड है, यहां पे भी सेल्स फ्यूज्ड है, बस यहां पे देखोगे ये यूनिन्यूक्लियेटेड रहता है, ये मल्टीन्यूक्लियेटेड हो जाते हैं। क्यों मल्टीन्यूक्लियेटेड हो जाते हैं, क्योंकि इनके सेल्स फ्यूज हो जाते हैं तो मल्टीन्यूक्लियेटेड हो जाता है। स्मूथ मसल में देखो एक ही न्यूक्लियस रहता है, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस रहता है क्योंकि ये अलग अलग रहते हैं। वेराज कार्डियक मसल आप देख रहे हो ब्रांचिंग हो रखी है, अब देख रहे हो ब्रांचिंग हो रखी है, तो ब्रांचिंग इज अ यस गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक मसल। कूल, वेरी गुड। अगेन गाइस सेम थिंग, इसमें ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट गाइस यस डू वॉच लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जो हमारी स्ट्रिएटेड मसल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है ना गाइस, उसको जाके एक बार जरूर देखना, ठीक है, यू विल फील बेटर अबाउट इट। देन गाइस फाइनली लास्ट हमारा फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू कौन सा है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कहां पे होती है गाइस, ब्रेन में होती है, स्पाइनल कॉर्ड में होती है, और मेरे ब्रेन से बहुत सारे नर्व्स निकल रहे हैं, मेरे ब्रेन से बहुत सारी वायर्स निकल रही है ना, मेरे ब्रेन से वायर्स निकल रही है जो मेरे मसल तक आती है। मेरा ब्रेन कह रहा है कंट्रैक्ट कर, फ्लेक्स कर, मेरे यहां से मेरी आंखों में जा रही है, तो मेरा कह रहा है कि आईज क्लोज करो, मेरे यहां से वायर आ रही है मेरे माउथ तक जो कि कह रही है मुंह खोलो और बंद करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, देयर आर वायर्स कमिंग आउट ऑफ माई ब्रेन, मेरी आंख में जो भी विजुअल आ रही है वो मेरे ब्रेन तक कैसे जा रही है, देयर आर वायर्स विच आर कनेक्टिंग माई आईज एंड माई ब्रेन। वो किसकी बनी हुई है गाइस, वो बनी हुई है न्यूरल टिश्यू की। किस चीज की बनी है, वो बनी हुई है न्यूरल टिश्यू की। मेरे ईयर्स में कुछ वायर्स हैं जो मेरे ब्रेन तक जा रहे हैं, वो किसके बने हुए हैं, न्यूरल टिश्यू के। न्यूरल टिश्यू मतलब कौन से सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं उनमें, कौन से सेल्स हैं, न्यूरॉन्स। एंड गाइस दे अब आप कहोगे सर एक और चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे ब्रेन में दो तरह के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में तो हम पढ़ते हैं, बट एक और चीज है गाइस, न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स भी हमारे नर्वस टिश्यू में आते हैं। अब आप कहोगे सर ये न्यूरोग्लियल सेल क्या होते हैं, बेटा ये होते हैं वो वाले सेल जो प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स की। अब न्यूरॉन्स हमारे इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, तो उनको सपोर्ट करना, उनको प्रोटेक्ट करना किसका काम है, न्यूरोग्लियल सेल। और ये गाइस ये न्यूरल टिश्यू मतलब नर्वस न्यूरॉन से भी ज्यादा होते हैं। ये क्या होते हैं गाइस, ये न्यूरॉन से भी ज्यादा होते हैं, मतलब दे आर मोर देन हाफ ऑफ द न्यूरल टिश्यू, दे आर मोर देन हाफ ऑफ द न्यूरल टिश्यू। कूल गाइस, आर वी गुड टिल हियर, वेरी गुड। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल टिश्यूज के बारे में आपको पता चलना चाहिए। न्यूरोग्लियल टिश्यूज हमने पढ़ानी अभी तक, तो हम बता रहे हैं कि वो क्या करता है, प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है हमारे नर्वस न्यूरॉन्स को, ठीक है, और दे आर मोर देन हाफ ऑफ द न्यूरल टिश्यू, मतलब वो उनकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, ये जो फंक्शन है कि इंपल्स कंडक्ट कैसे होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन के अंदर इंपल्स कंडक्ट कैसे होता है गाइस, ये हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करा है उसमें कर रखा है। प्लीज गो एंड वॉच इट गाइस, आपको बस एक बार देखना है, एंड आई वुड से उसको 2 times स्पीड पे देखिए। जो भी आपने जो लाइक वीडियोस हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो मैंने बताया था जिसमें हमने मसल डिस्कस करा है और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन गाइस, उसको 2 times फास्ट वीडियोस में देखिए तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब यू विल अंडरस्टैंड, गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ठीक है गाइस, थोड़े क्वेश्चंस करते हैं बढ़िया जल्दी तरीके से। क्या आप रेडी हैं क्वेश्चंस करने के लिए? हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप रेडी हैं क्वेश्चंस करने के लिए?
जल्दी से चार पांच तीन चार मिनट में खत्म करेंगे. ग्रेट गाइस. टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रेजेंट इन द स्किन. ये तो बहुत इजी हो गया है ना. कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द स्किन. अब आप कहोगे सर यहां तो एपिथेलियल भी प्रेजेंट है ना, एरियोलर भी है ना, हमने तो देखा था डेंस इरेगुलर भी है. यस गाइस, बेटा इसमें हम पूछ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू. यस गाइस, द आंसर इज डेंस इरेगुलर. एपिथेलियल टिश्यू तो बेटा एपिथेलियल तो डिफरेंट ही हो गया ना, एपिथेलियल तो डिफरेंट ही हो गया ना. गाइस फोकस करो, एपिथेलियल तो एक तरह का टिश्यू, हम तो कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं. एपिथेलियल तो हमारा फर्स्ट टाइप है, एपिथेलियल तो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू है. सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू हमारा कनेक्टिव टिश्यू, तो एपिथेलियल और कनेक्टिव तो डिफरेंट हो गया ना. मैंने क्या पूछा है, विच इज द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट ओवर हियर इन द स्किन. एरियोलर टिश्यू तो इज प्रेजेंट बेनेथ द स्किन ना, एरियोलर तो स्किन के नीचे होता है ना बेटा. अब देखो गलत नहीं करना, अब देखो गलत नहीं करना, समझ लो. अब समझ सेट की सर मैंने तो बस स्किन देगा बेटा, बट ये देखो कनेक्टिव टिश्यू भी तो था, कनेक्टिव टिश्यू भी तो लिखा हुआ है यहां पे. गेटिंग माई पॉइंट. देखा आंखों का धोखा हो गया. समझ आ रही है बच्चों. अब एरियोलर टिश्यू भी नहीं हो सकता क्योंकि एरियोलर तो प्रेजेंट बेनेथ द स्किन होता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? ठीक है, तो ये देखो मतलब ये चीजें हमें आती हैं, ये इतना इजी क्वेश्चन था हमें आता है बट हमने गलत कर दिया. तो दिस इज वॉट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. मतलब गाइस इसके यही चीजें आपको जो सीखनी है, हाँ इसको आपको सीखनी है. हाँ जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. टिश्यू दैट हेल्प इन सपोर्टिंग एंड लिंकिंग. यस गाइस, कौन सपोर्ट और लिंकिंग में हेल्प करता है, ये तो हमने सबसे पहला पढ़ा था. जल्दी बताओ. हाँ बेटा चौकन्ना रहना पड़ेगा. आई नो गाइस, जो ऐसे क्वेश्चन है जो हमें आते हैं उनको गलत नहीं करना हमें. अमेजिंग, सबने सही आंसर दिया है. प्रियंका, आशीष, खुशी, स्वप्निल, चेताली, क्यूट एंजल, मनीषा, अमेजिंग गाइस, सबने सही आंसर दिया. ऑब्वियसली कनेक्टिंग, सपोर्टिंग और लिंकिंग कौन ही करता है, कनेक्टिव टिश्यू ही करता है हमारा. वेरी गुड, कनेक्टिव टिश्यू हेल्प्स इन सपोर्टिंग एंड लिंकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज द सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज. इसका जल्दी बता दो. कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू, एरियोलर एंड डेंस रेगुलर टिश्यू, एरियोलर एंड एडिपोज. जल्दी बताओ क्या होगा. यस गाइस, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट विल बी द आंसर. अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने. आई कैन सी सबने आंसर दिया. धीरज, पीएम, ओ माय गॉड प्राइम मिनिस्टर भी हमारे पास, वेरी गुड धीरज, तन्वी, ग्रेट जॉब गाइस. एंड द आंसर इज एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू. एग्जैक्टली गाइस, देखो डेंस इरेगुलर में तो डेंस जैसे ही आ जाता है वो तो रेगुलरली अरेंज हो जाते हैं. ठीक है, डेंस तो हटा दो, ये मतलब टाइटली अरेंज हो जाते हैं. जैसे ही डेंस आ जाता है वो टाइटली, तो ये दोनों तो है ही नहीं. अब इन दोनों में गाइस कौन सा ज्यादा बेटर है, ऑब्वियसली दिस इज बेटर सॉल्यूशन बिकॉज इसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, तो हम ये नहीं कह सकते द मोस्ट पॉसिबल आंसर इज आंसर डी. यस गाइस, हाई फाइव गाइस, बहुत ही अच्छा, जिन लोगों ने सही करा है बहुत ही बढ़िया, हाई फाइव. आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द मिसमैच्ड पेयर. जल्दी करो गाइस, मिसमैच्ड पेयर, डेंस रेगुलर कोलेजन फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड पढ़ लो खुद ही और जल्दी करो. डेंस इरेगुलर, फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन फाइबर, एडिपोसाइट्स, स्टोर कार्बोहाइड्रेट, एरियोलास, सपोर्ट एपिथेलियम. ये क्या होगा, ओ माय गॉड सर गलत कौन सा है. वेरी गुड चेष्टा, वेरी गुड स्वप्निल बेटा, आपने बहुत ही ज्यादा गलत आंसर दिया. एक होता है रॉन्ग, एक होता है वेरी वेरी रॉन्ग. आप वेरी वेरी रॉन्ग. रितु बेटा रॉन्ग, यू आर ऑल्सो वेरी रॉन्ग. अमेजिंग रोहित बेटा, वेरी रॉन्ग, अमेजिंग, सही. अलग मानसी बेटा, यू आर ऑल्सो वेरी रॉन्ग. आंसर इज गाइस, आंसर इज सी, एडिपोसाइट स्टोर कार्बोहाइड्रेट ना बेटा, ऐसे थोड़ी तो गलत है ना, इट स्टोर्स फैट. ओ माय गॉड, सच एन इजी क्वेश्चन, सच एन इजी क्वेश्चन, एडिपोसाइट स्टोर्स फैट. ये सबने गलत कैसे करा है, बहुत लोगों ने गलत करा है बट बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चों ने सही भी करा है. वेरी गुड गाइस, अमेजिंग.
एडिपोसाइट स्टोर कार्बोहाइड्रेट एग्जैक्टली एरियोलर तो सपोर्ट एपिथेलियम है ना बेटा. डेंस रेगुलर में तो होती है कोलाजन फाइबर. डेंस इरेगुलर में फाइबर फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलाजन फाइबर्स थे. गाइस जस्ट गो थ्रू द पीपीटीज सब चीज मेंशनड है. इट इज जस्ट आपका फोकस कितना है. ठीक है हाँ जी कूल आगे करते हैं. लास्ट क्वेश्चन आई गेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. The soft solid pliable tissue that can resist compression is made of chondrocytes. Okay. The hard and non-pliable tissue that provides support and structural framework is made up of fibers and osteoblasts. Plasma is, you know, colored fluid portion of the blood. Limb bones is an example of a dense connective tissue. Yes, guys. Come on. Yes, guys. Very good, guys. Yes, guys, the answer is A. The answer is A. That is chondrocyte cells. Okay, guys, यहाँ पे osteocyte cells होने चाहिए, guys. Osteoblast और cell में थोड़ा difference होता है. Osteocyte cells are present, है ना? That is why you know B answer नहीं होगा. I guess आपको समझ आया. I know, right? फिर से धोखा हो गया आप लोगों के साथ. Osteocyte cells होते हैं, ठीक है? Yes, guys. Osteocyte cells होते हैं present over there. Exactly, guys. The soft, solid, pliable tissue that can resist the compression of a, you know, is made of chondrocytes. These guys almost sahi hai, but yeah. Hanji. Oh, yes, guys. Jo hamara amazing sa Telegram channel hai. Pehle to guys, apne liye first of all clap karo, bahut hi badhiya tarike se. अपने लिए क्लैप करो गाइस सब. यस गाइस क्लैप फॉर योरसेल्फ एवरीवन. आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से यस गाइस amazing great guys and yes guys stay connected. PDF hamara iske you know description mein hum dal denge. PDF iske description mein rahega guys and yes guys stay connected, keep smiling hai na, and do let us know ki aapko kaisa laga session hai na. Aur yes guys join the telegram group ko hamare join karo and we need made easy guys. Isko like share aur subscribe kar do. इस गाइस इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो और सारे अपने फ्रेंड्स को बताओ ताकि वो भी हेल्प मतलब यू नो दे कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट. एंड यस गाइस कीप स्माइलिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर. बाय बाय.